नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। दोस्तों, आजकल आप लोग जब भी न्यूज चैनल खोलते हो या न्यूज पेपर पढ़ते हो, एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, वो RCEP, शिवसेना और बीजेपी को छोड़ के, महाराष्ट्र के इलेक्शन को छोड़ के एक मुद्दा है RCEP। बड़ा उस पर तालियां बज रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया, RCEP में पार्टिसिपेट ना करके, उसको साइन ना करके, उसका पार्ट ना बन के। यहाँ पे मेरा ये सवाल है, क्या भारत की जीत हुई RCEP को साइन ना करके, यानी RCEP का पार्ट ना बनके क्या इंडिया जीता है कि इंडिया हारा है? मेरा जवाब है हारा है। इसका रीजन मैं अब आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप लोगों को शायद बुरा भी लग रहा होगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक कारण है और वो हम सबके लिए एक सीख है, इसलिए वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग हारे हैं ना कि जीते हैं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि भारत की इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया, ये बात जरूर है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट में इंडिया हारा है ना कि जीता है। तो बात करते हैं शुरू, RCEP है क्या? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म तो हो गई, लेकिन इसको बात क्या है, ये है RCEP को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, साथ में उसमें 6 देश और हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यानी 16 देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन कौन से देश हैं, ताकि फिर आगे बात को हम ले जा सकेंगे। 6 देशों के नाम है ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये तो मेन कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज। साथ में 6 कंट्रीज पार्टिसिपेटिव कौन है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये 16 कंट्रीज का एक ग्रुप है एशियन, 10 कंट्रीज का एशियन, और साथ में 6 FTA पार्टनर्स बोलते हैं इनको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स बोलते हैं। तो 16 लोगों की ये टीम है। ये सारे के सारे देश की टोटल पॉपुलेशन है 46% और GDP है 24%, यानी राउंड ऑफ करेंगे 50% पॉपुलेशन, 30% GDP, यानी 1/3 GDP आधी पॉपुलेशन, यानी कितना बड़ा मार्केट, कितनी बड़ी इकोनॉमिक फोर्स, कितना बड़ा एक कंट्रोल हो सकता था वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इन ग्रुप का, अगर ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जाता। तो अब बताता हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। आसान शब्दों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि हमारे और आपके बीच में कारोबार होगा, और हम और आप ऐसे नियम या कानून नहीं बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसमें ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अवरोध पैदा हो, यानी प्रॉब्लम पैदा हो, या ऐसा लगे कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूल्स या पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे हो। फ्री ट्रेड का मतलब होता है हम आपसे कुछ चीज़ खरीदेंगे, वही शर्तें होंगी, आप हमसे वही चीज़ खरीदेंगे तो वही शर्तें होंगी जो दोनों देशों के लिए कॉमन होंगी। सपोज मैं आपसे टी शर्ट मंगाता हूँ तो आप 10% का टैक्स लगाते हो इम्पोर्ट ड्यूटी, और आपको मैं बेचूंगा तो भी आप 10% का लगाते हो। बहुत ही आसान शब्दों में जो नियम कानून मेरे ऊपर लागू होंगे आपसे कारोबार करने के लिए, वही नियम कानून आपके ऊपर लागू होंगे मुझसे कारोबार करने के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे ओपन, सारे कंट्रीज के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ये बात है। ये निगोशिएशन शुरू हुई थी, ये बातचीत शुरू हुई थी इन कंट्रीज के बीच में नवंबर 2012 में, और आज है नवंबर 2019, जहां पे कंसेंसस बनाने की कोशिश करी गई सारे कंट्रीज के बीच में, कॉमन प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश करी गई, कॉमन पॉलिसीज को बनाने की कोशिश करी गई कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हो सके, सब लोग इसको मान सके। लेकिन इंडिया ने इसको बैकआउट कर दिया है, इंडिया इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये 16 देशों की संख्या गिर के हो गई है 15, 15 कंट्रीज रह गए हैं, इंडिया अब इसका पार्ट नहीं है। अब RCEP जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बेसिकली इसका सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना। चाइना इसको बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड भरी नजरों से देख रहा है, क्यों? क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा मुश्किल में है, और उसको एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए, अपने सामान को खपत करने के लिए, इसलिए वो एक बहुत बड़ा सोर्स देख रहा था RCEP में। अगर इंडिया मान जाता तो इंडिया का जो मार्केट है वो चाइना के लिए फुल प्रूफ ओपन हो जाता बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। एक तरीके से एशियन कंट्रीज के जो 15 देश हैं उन पे उनका जो कारोबार है इंडिया के साथ वो है ट्रेड डेफिसिट में। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि हम तो आपसे माल खरीद रहे हैं 2 रुपए का, आप हमसे माल खरीद रहे हैं 1 रुपए का, यानी मेरी दुकान से तो माल बिक रहा है 1 रुपए का, पर आपकी दुकान से हम जो खरीद रहे हैं वो 2 रुपए का, यानी 1 रुपए का ट्रेड डेफिसिट। आसान शब्दों में कि हम इम्पोर्ट तो ज्यादा कर रहे हैं आप लोगों से, पर हम एक्सपोर्ट आप लोगों को कम कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 2013-14 में $53 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था
एशियन कंट्रीज के साथ, यानी बचे हुए 15 देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 53 बिलियन डॉलर का था और 2018-19 में 105 बिलियन डॉलर का हो गया, यानी 105, ऑलमोस्ट डबल हो गया है बहुत कम समय में। ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ चुका है और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना। चाइना का जो इसमें शेयर है 105 बिलियन डॉलर्स में ट्रेड डेफिसिट, 53 बिलियन डॉलर अकेला इसमें चाइना का ट्रेड डेफिसिट है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है हमारा चाइना के साथ। इंडिया जो है आरसीईपी नेशंस, यानी आरसीईपी नेशंस जो है हमारे बचे हुए 15 देश, उनमें 20% एक्सपोर्ट करता है। उसका अगर 100 रुपये मान लूँ इंडिया के एक्सपोर्ट को, तो 20 रुपये का एक्सपोर्ट है इन आरसीईपी नेशंस को, यानी 20% एक्सपोर्ट है आरसीईपी नेशंस को, लेकिन सिर्फ 35% आप समझ लेंगे इंपोर्ट जो है वो आरसीईपी नेशंस, यानी हम माल तो बेचते हैं 20% पर हम खरीदते हैं 35%, यानी 15% का डायरेक्टली ट्रेड डेफिसिट आपको परसेंटेज वाइज में यहाँ पे दिख रहा होगा कि 20% हम अपने एक्सपोर्ट का बेचते हैं इन लोगों को और 35% हम इन लोगों से खरीद लेते हैं। अगर इंडिया आरसीईपी में शामिल हो जाता तो क्या होता, 80% ड्यूटीज जो है, 80% ऑफ द प्रोडक्ट, यानी 100 प्रोडक्ट्स अगर चाइना से हम खरीदते हैं तो उसमें 80 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें ड्यूटी कम करनी पड़ती चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर, और 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी 100 में से 90 प्रोडक्ट्स में से कम करनी पड़ती हमें जापान, कोरिया और अदर कंट्रीज से आने वाले प्रोडक्ट्स की, यानी हमें ओवरऑल बहुत ही बड़े लेवल पर हमको रेट ऑफ टैक्सेस हमें कम करने पड़ते, इससे हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली सफ़र करती। तो दोस्तों आप लोगों ने इतनी बातें सुनी तो आपको लग रहा होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इवन हम लोग अपने लोकल इंडस्ट्री में, लोकल बिजनेस में भी यही चीज़ चाहते हैं कि कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो अगर अपना आपस में हम लोग सामान बेचें। तो क्या आपको लगता है कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। भारत ने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ किया था, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी भारत के हैं, लेकिन भारत हमेशा नुकसान में रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के केस में, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय भारत के इम्पोर्ट्स बढ़े हैं, यानी हमने माल ज़्यादा खरीदा है, हमने उनको माल बेचा कम है, यानी हमारे एक्सपोर्ट कम हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते, आप एक एग्रीमेंट में बंधे हुए होते हो तो वहाँ पे ड्यूटीज नहीं लगा सकते। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारा पड़ोस का देश श्रीलंका, सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2000 में हुआ था श्रीलंका के साथ। इवन श्रीलंका में पैदा होने वाली इलायची भी हमारे देश में, इलायची जहाँ पैदा होती है केरला में, उससे सस्ती वो देता है इंडिया को। अब होता क्या है, वहाँ के एक्सपोर्टर, श्रीलंका के एक्सपोर्टर्स इंडिया के अंदर इलायची को डंप कर देते हैं, जिससे लोकल जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली रबर जो इम्पोर्ट होती है वियतनाम या इंडोनेशिया से, वो इतनी सस्ती होती है कि जो इंडिया में पैदा हो रही है रबर वो महंगी होती है, इससे इंडियन फार्मर्स को नुकसान होता है। तो हमेशा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया रिसीविंग एंड में रहा है, ना कि अग्रेसिव आगे होकर फ्रंट फुट में बैटिंग किया है, हमेशा उसको नुकसान होता है और चीज़ें बाहर के देश सस्ती चीज़ें इंडिया में डंप कर देते हैं एज ए इम्पोर्ट। अब आता है क्वेश्चन, भारत ने इस आरसीईपी को साइन करने से मना क्यों किया? सबसे बड़ा कारण था चाइना। चाइना का इम्पोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ जाता अचानक से। डायरेक्टली तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डायरेक्टली चाइना इम्पोर्ट कर देता है इंडिया के अंदर, सारे चीज़ एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई चीज़ लेने से मना कर देते या फिर बचते उस चीज़ को लेने के लिए, तो वो किसी और आरसीईपी नेशन से, यानी बचे हुए 12 या 13 देशों से के साथ बेच के और इनडायरेक्टली इंडिया में एंट्री उन माल का करवा सकता था। उसके बाद था बेस ईयर ऑफ टैरिफ्स। बेस ईयर ऑफ टैरिफ्स के लेके डिसाइड नहीं हो पाया था कि 2014 या उसके बाद का या लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट टैरिफ को हम बेस ईयर मानेंगे। तीसरा केस था हमारा कि अगर इम्पोर्ट्स अचानक से बढ़ जाते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में लोकल इंडस्ट्री के सेफगार्ड के नॉर्म्स क्या होंगे। चौथा केस था हमारा कि सर्विस सेक्टर को टेंशन बहुत कम दिया गया था। इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंसल्टेंसी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को, इस तरीके की इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इसमें शामिल किया गया था, ना कि सर्विसेज को। सर्विसेज को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई, इसलिए इंडिया का एक क्वेश्चन था कि सर्विसेज को भी उतना ही पार्टिसिपेटिव बनाया जाए जितना एक नॉर्मल अदर सेक्टर्स को है। साथ में नॉन कमिटमेंट था, कमिटमेंट नहीं मिला था नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए, इसके लिए भी एक क्लैरिटी नहीं हो पाई, इसलिए इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया। दोस्तों अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम आ गया इतने एनालिसिस के बाद कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक अच्छी भी चीज़ है, और लेकिन लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया और आरसीईपी में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या इंडिया की जीत हुई कि हार? मेरे हिसाब से हार हुई। रीज़न क्या है कि आपने बहुत सारे मार्केट
अपनी लोकल इंडस्ट्री तो डेफिनेटली आपने आरसीपी में ना जाके बचा ली कि आप जो आपके जो प्रिवेलिंग टैक्सेस रेट है वो आप बदलने नहीं पड़ेंगे। हम 80% 90% या 200% तक ड्यूटी, 1000% 500% भी ड्यूटी चाइना के प्रोडक्ट्स या किसी और देश के प्रोडक्ट्स को लगा के अपने इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, प्राइसिंग को या मार्केट को मेंटेन कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि इंडियन प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं है? हमने अपना बाजार दूसरे के लिए तो बंद कर दिया, तो क्या दूसरा आदमी हमारे लिए बाजार खोलेगा? बिल्कुल नहीं खोलेगा, वो तो सबसे पहले बंद करेगा। अगर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमने चाइना के प्रोडक्ट जब आते हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने बहुत बड़े लेवल पे लगा रखी है, तो अगर आप चाइनीज की टैरिफ देखेंगे तो वहाँ पे जो वर्ल्ड के ऊपर यानी दूसरे देशों पे चाइना जो टैरिफ लगाता है उससे ज़्यादा ही टैरिफ इंडिया के टैरिफ के ऊपर लगाता है, इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाता है, ना कि कम लगाता है। अगर कहीं वो 5% का टैक्स वसूलता है तो इंडिया के प्रोडक्ट से 10% का टैक्स वसूलता है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि हम कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं, हमारा माल सस्ता क्यों नहीं है, हमारा माल क्वालिटी में सबसे अच्छा क्यों नहीं है, जबकि हम इतने बड़े मार्केट हैं इंडिया के अंदर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इस समय इंडिया देखा जा रहा है। हर बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, हर बड़ी कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, उसके बाद भी हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है कि हम इंटरनेशनल बाजार में जाके बेच सकें। तो ये हमारी जीत है कि हमारी हार? ये हमारी हार है कि हम अपना माल इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते। ठीक है, हम आपस में खरीद के बेच के अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कब तक? अगर हम इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं पहुंचेंगे तो हम आगे जाके डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर हम बहुत ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, वर्ल्ड की टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3, टॉप 2 इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहते हैं तो क्या हम लोकल मार्केट की बिजनेस से हम आगे बढ़ जाएंगे? क्या अपनी इंटरनल इंडियन इकोनॉमी से, इकोनॉमी मतलब बेसिकली ट्रेड से हम आगे बढ़ जाएंगे कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड में भी पार्टिसिपेट बनना पड़ेगा? हमें इंटरनेशनल ट्रेड में अपना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड में परसेंटेज बढ़ाना है तो हमें दूसरे देशों से कारोबार बढ़ाना पड़ेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए आपको इन तरीके के एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेटिव बनना पड़ेगा, अपने मार्केट खोलने पड़ेंगे, साथ में उनके अपना प्रोडक्ट इस लायक बनाना पड़ेगा कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो चीज़ रखें तो दूसरे देशों से कम महंगी तो ना हो, चलो सस्ती नहीं होगी पर महंगी तो ना हो, तो हम क्वालिटी के ऊपर गेम खेल सकते हैं। क्वालिटी पे बोल सकते हैं कि हमारा ठीक है, रुपए 1 रुपया महंगा जरूर है या 25 पैसे सस्ता जरूर है, लेकिन हमारी क्वालिटी उन सबसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम दोनों ही चीज़ में फेल हो रहा है। अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे, इंडिया मेजॉरिटी तौर पर एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो है बुफेलो मीट, कॉटन या इस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करता है, ना कि बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी या मैकेनिकल पार्ट्स, ये एक्सपोर्ट नहीं करता है। ज़्यादातर चीज़ें हम ये इम्पोर्ट करते हैं, मैकेनिकल पार्ट, आईटी के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ज़्यादातर चीज़ें हम ये इम्पोर्ट करते हैं ना कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा लेस कॉम्पिटिटिव, प्राइसिंग हाई क्यों है? ये सबसे बड़ी हमारी हार है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने हमको बचाया, हमारी लोकल इंडस्ट्री को बचाया, ये उनकी तारीफ है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए इंडियन हमें सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी हालत क्या हो गई है कि हमें अपने बाजार एक तरीके से बंद रखने पड़ रहे हैं लोगों के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये था सारा वीडियो, ये था आरसीपी की पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जितना मैं एनालिसिस आसान शब्दों में आपको बता पाया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, कमेंट्स में आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। कुछ ऐसा पॉइंट जो इस एनालिसिस को और आगे लेके जाएगा, या फिर कोई ऐसा तरीका, ऐसा आइडिया कि आप अपने बिजनेस को और सस्ता बना सकते हो, क्वालिटी और सस्ती बना सकते हो, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम कर सकते हो, तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, बताना मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट्स में बताना कि डिसलाइक आपने क्यों किया, ताकि मैं आगे जाके सुधार कर सकूं अपनी नॉलेज शेयरिंग में, अपने बताने के तरीके में। साथ में सब्सक्राइब कर लेना प्रसून की पॉकेट को, मैं ऐसी वीडियो आसान शब्दों में आपके लिए लाता रहता हूँ। बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी देश की बात है, देश के साथ हम करते रहेंगे, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, हिंदी में। जय हिंद, वंदे मातरम।